दोस्तों आज एक सोलर पावर प्लांट है, ये हम यहाँ पहुँचे हैं और पूरा आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स लगे हैं बहुत सारे। और क्या कुछ है डिटेल्स अभी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो सर ये कब लगाए हमने ये सोलर प्लांट? सर इसको 10 साल पहले संबल हुआ थे। 10 साल हो गए। हाँ जी। क्या कैपेसिटी है प्लांट की इसकी? सर ये 1 मेगावाट का है। 1 मेगावाट का प्लांट है। हाँ जी। तो 1 मेगावाट में कितने पैनल लगे हैं? ये 170 पैनल है। कितना एरिया है, जितने एरिया में लगे हुए हैं? ये सर 4.5 किले के आसपास है। 4.5 किला में 1 मेगावाट है। हाँ जी। 4.5 किला तो काफ़ी ज़्यादा होगी जगह, है ना? हाँ जी। दूर तक आप देखेंगे तो वहाँ भी पैनल ही नज़र आ रहे हैं सारे आपको। पर डे का जैसे अगर आप ईयरली लगाओ तो 4500 यूनिट के आसपास। पर डे का कितना होता है? पर डे का 4500 यूनिट है। पर डे का 4500 यूनिट है। हाँ, 1 मेगावाट के सेटअप से। हाँ, नॉर्मली मान के चले ना, जैसे गर्मी सर्दी चौमासा उसका। और फिलहाल गर्मियों में अभी 5700-5600 के आसपास चल रहा है, मतलब 5000 एवरेज मान लेते हैं। तो जो ये 5000 एवरेज यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो ये सारी ग्रिड में जाती है? हाँ, पावर हाउस के अंदर। पावर हाउस में जाती है। तो 10 साल हो गए इस सेटअप को। कोई कितना क्या खर्चा लगा इसको लगाने में? 4 करोड़ के आसपास खर्चा था। 4 करोड़ के आसपास। हाँ। तो ये कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है या नहीं, सब जेब से लगाना पड़ता है पैसा सारा? नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है ना, इस पर लोन होता है। लोन हो जाता है? हाँ, 70% 70% लोन हो जाता है। अच्छा, तो बाकी आपको लगाना पड़ता है ना? अब तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास हो रहा है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। पहले जो एक प्लेट थी ना, हाँ हाँ, ये 309 वाट की है। राइट। और अब जो प्लेट आ रही है 520 वाट की है। ज़्यादा क्या प्लेट? तो फिर तो कम जगह में लग जाएगा। अब तो कम जगह में भी लगेगा। हाँ। और वैसे भी तो ये जैसे प्लेट से प्लेट के बीच की दूरी काफ़ी रखी गई है, ये कुछ ये सर जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे सर्दियों में दूसरे की बरसाई आती है। राइट। और फिर जैसे इसमें घास वगैरह कुछ भी हो गया उसको भी क्लीन करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह। तो मेंटेनेंस क्या रहता है इसका? आप देख रहे होंगे इतने सालों से, मान लो इसमें क्या मेंटेनेंस है? साफ़ सफाई तो है ही है। मेंटेनेंस और भी छोटे मोटे फॉल्ट वगैरह आ जाते हैं। हाँ, उनका भी इशू रहता है कभी, जैसे ग्राउंड आ गया तो उसको क्लियर करना। लेकिन वैसे अगर बात करें ज़्यादा कुछ तो नहीं होता होगा, थोड़े बहुत रहते हैं? हाँ, थोड़े बहुत ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं है। क्या लगता है, मतलब कोई मान लो मैं ही हूँ, जैसे मैं देख रहा था आज फार्म को, मैं करने की जैसे इच्छुक हो तो बंदा कोई करना चाहे, पैसे तो इतने होते नहीं है 3-4 करोड़ के आसपास, तो क्या कैसे शुरू कर सकता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ना चीज़ों को। अच्छा, राजस्थान के अंदर भी कोई स्कीम आ रही है। ओके, तो उसके थ्रू वगैरह। तो ये राजस्थान में पड़ती है जगह? नहीं, ये तो हरियाणा। तो हरियाणा में पड़ती है। तो राजस्थान में क्या स्कीम है? राजस्थान में सर एक स्कीम आ रही है, मेरे को इतना तो नहीं पता, पर कि वो किसान है वो कर सकते हैं, तो उनको सब्सिडी भी मिल रही है 30%। इस पर 30% सब्सिडी और बाकी लोन हो जाता होगा? है हाँ, बाकी लोन, मतलब जिसके पैसे ना हो, जगह हो तो वो कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है। तो इसका साल भर में आपने बताया 4500 यूनिट दिन की है, 5000 एवरेज मान लें तो 30 दिन की हो गई लगभग 1.5 लाख यूनिट। हाँ, 1.5 लाख पिछली बार। तो गवर्नमेंट क्या रेट खरीदती है यूनिट? ये सर अब का फिलहाल का टाइम तो है 3 रुपये 14 पैसे। 3 रुपये 14 पैसे अब का चार्ज है। जैसे आप अप्रूवल होगा आपका प्लांट अब लगेगा तो ये पहले का इसका अलग है, तो वही चल रहा है हिसाब जो पहले। हाँ, जो अप्रूवल जिस टाइम अप्रूवल होता है उस टाइम जो हो गया ना फिक्स, वो 25 साल तक वही चलता है। तो पहले कितना था इसका? इसका तो 7 रुपये 50 पैसे। 7 रुपये। तो अब इतना कम क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने? एक तो प्लांट काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी हो गया अब उस टाइम में तो प्लांट ही नहीं थे जिस टाइम ये था। तो फिर तो 3.5 रुपये के हिसाब से भी देखें तो 1.5 लाख यूनिट का लगभग कितना हो गया? लगा लो मोटा 5-1 लाख रुपये के आसपास एवरेज हो गया। 5-4 लाख के आसपास। 5 लाख में खर्चा कितना बैठ जाएगा महीने का? खर्चा सर इसका एक तो यही है, लाइट जो आप कंजप्शन करोगे, मतलब जो यूज़ करोगे उसका मान लो, फिर मेंटेनेंस का एक जो बंदे आप रखो। तो यहाँ से सारी पावर कैसे कनेक्ट होके सेंट्रली ये बना रखा है कुछ, कहाँ पे आता है? ऑन ग्रिड सिस्टम है ये। ऑन ग्रिड है। कैसे काम करता है? पावर हाउस से लाइट आती है। ठीक है। तो जैसे फिर इन्वर्टर उससे रन करता है, डीसी यहाँ से लेता है प्लट्टा से। हाँ? डीसी को इन्वर्टर कन्वर्ट करके एसी में फिर दोबारा पावर हाउस दे देता है। ठीक है, तो सारी पावर मतलब ऑन ग्रिड है, डायरेक्ट आती भी आपके पास? आती भी है और जाती भी है। आती क्यों है आपके पास पावर?
जैसे इन्वर्टर को रन करने के लिए चाहिए, सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए उसके लिए, तो स्टोर करने का वगैरह का कुछ रखने का वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आती है बनती है और वापस, तो सारी पावर सेंट्रली यहाँ आती है, ये इन्वर्टर सिस्टम पूरा सेंट्रल है, ये सिस्टम है और यहाँ ट्रांसफार्मर इसके स्टेप अप स्टेप डाउन करने काम करते हैं। हाँ, कितनी वोल्टेज जाती है यहाँ से? ये 11 केवी की लाइन है। तो जो मेन ये लाइन दिख रही है यही कनेक्ट होगी, इसी में जा रही है? हाँ, ये जो आपको उस साइड दिख रही है। अच्छा, उसमें जा रही है। हाँ। तो आप इसको मेंटेनेंस देखते हो? हाँ, सर, सारा ही देखते हो? नहीं, एक बंदा और भी है। तो मतलब आज के दिन देखे तो ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है, पहले लग गए तो लग गए। ये आपने बता रहे हो 3-3.5 रुपए हरियाणा का रेट, राजस्थान का रेट? ये हरियाणा का भी रेट अब फिलहाल का यही है, 3-14। और राजस्थान में वो भी वही है, वो बता रहा ना, जैसे अप्रूवल होते हैं, स्कीम आ रही है, उनकी सपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद फिर लोग थोड़ा। पैनल वगैरह को कभी कोई बाहर भारी नुकसान होता है किसी तरह का? क्लीनिंग कैसे करते हैं फिर पैनल की? साफ सफाई, पैनल साफ करने हो जब मैन्युअली होते हैं यहाँ पे, तो मैन्युअली जैसे जो रात के गार्ड बनते हैं वाइपर वगैरह से साफ? हाँ, वाइपर। बट डीसी करंट काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, करंट का जो? हाँ, ये तो है, डीसी करंट सर काफ़ी हैवी रहता है, थोड़ा सा देख के भी यार, पहले है सेफ्टी पहले है। मौका नहीं देती है। तो ये कौन सी कंपनी के पैनल लगे हैं सारे? ट्रीना के है। ट्रीना, तो ये मतलब करना चाहें तो मेरे मन में आ रही थी एक बार देखें जाए प्रोजेक्ट कैसे क्या काम करता है, पर अब देख के मुझे आउटपुट लग नहीं रहा। 25 साल के बाद भी चलता रहता है ये कंटिन्यू? नहीं, 25 साल प्लेट की वैल्यू ही 25 साल की है। अच्छा, कंपनी वैल्यू इतनी देती है कि भाई 25 साल तक ही रखेंगे, बाकी उसके बाद भी जैसे चले पर फिर वो उतनी आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट इतनी बेनिफिट नहीं होगा है। वो तो जैसे आपको स्टार्टिंग में जितनी देंगी जैसे असेंबल होगा, उसके बाद धीरे धीरे डाउन तो होती जाती है। चलो ठीक है जी, थैंक यू, देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ से पावर जाती है हमारी है सारी, तो ये क्या लगाया हुआ? ये VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इस साइड वाला अगले साइड वाले जो उसमें मीटर है। मीटर है, कितनी यूनिट क्या हो रही है सारा देखने के लिए? मीटर दोनों साइड लगते हैं, पावर हाउस के बाहर भी सेम मीटर लगा हुआ है, दोनों जगह की रीडिंग देखते हैं। हाँ, दोनों जगह की मिलान भी होते हैं, फिर कन्फर्म होता है कि तो ये 1 मेगावाट का सेटअप जो अभी लगा हुआ है करंटली, ये कितना प्रॉफिट दे देता है ये वाला सेटअप? ये आप लगा लो, देख लो, पिछले महीने की इसकी थी 1,44,800 यूनिट, 7 रुपये के हिसाब से, 7.50 रुपये, तो और मतलब तो कितना हो गया लगभग हमारा? तो ये तो लगभग 10 लाख के आसपास हो गया, 10-11 लाख के आसपास। तब तो ये प्रॉफिटेबल है अगर इतने रेट रहे तब तो, है ना? हाँ, रेट का सर अलग अलग। चलो ठीक है जी, थैंक यू।